वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 6 छक्के और नावाद 104 रन। निकोलस पूरन का मैदान पर दिखा तूफान। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के 18वें मैच में कैरिबियाई ने नीदरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए। वेस्ट इंडीज टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में इस टीम के बल्लेबाज निकोलस पूरन की नावाद शतकीय पारी के साथ साथ ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स की अर्धशतकीय पारी का भी बड़ा योगदान रहा। निकोलस पूरन का बल्ला वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के मुकाबलों में जमकर चल रहा है और एक बार फिर से के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहले 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और फिर 65 गेंदों पर 104 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस पारी के दौरान निकोलस पूरन ने 6 छक्के जड़े और इसके साथ ही उन्होंने इस पारी में 9 चौके भी लगाए। पूरन ने इससे पहले के 3 मुकाबलों में 43, 115 और 34 रनों की पारी खेली थी, यानी पिछले 4 मैचों में ये उनका दूसरा शतक भी रहा। इसके अलावा निकोलस पूरन के वनडे क्रिकेट करियर का तीसरा शतक भी रहा। इस मैच में नीदरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनके गेंदबाज वेस्ट इंडीज की टीम को रोक नहीं पाए और इस टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। पूरन के शतक के अलावा वेस्ट इंडीज के ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग ने 76 रनों की पारी खेली, जबकि उनके साथ ओपनर बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने 54 रन बनाए। कप्तान साई होप ने 47 रनों की पारी खेली, जबकि किम पॉल 46 रन बनाकर नाबाद रहे।